यूपी में जेपी जयंती पर बवाल, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिलेश यादव बोले, नीतीश केंद्र से समर्थन वापस ले लें। बांग्लादेश में मां काली का मुकुट चोरी होने पर एक्शन में भारत। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने अपराधियों पर कड़े एक्शन की मांग की। पीएम मोदी ने 2021 में गिफ्ट किया था मां काली का मुकुट। 15 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। 10 सदस्यों की कमेटी का गठन। नाशिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान शेल ब्लास्ट हो गया। सेना ने जांच के आदेश दे दिए। लाओस के 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान में पीएम मोदी का शांति बहाली पर जोर। बोले, युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है और युद्ध का युग नहीं है। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। रतन टाटा के बाद मिली बड़ी जिम्मेदारी। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल। महादेव बेटिंग ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर दुबई से पकड़ लिया गया है। अब भारत लाने की तैयारी है। 6,000 करोड़ की गड़बड़ी का है आरोप। पुणे में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने फूड डिलीवरी बॉय को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। ड्राइवर की तलाश में पुलिस। इसराइल को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इसराइल। हमले की प्लानिंग छिपाने का भी लगाया आरोप। लेबनान में इसराइल की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला के कोऑर्डिनेशन यूनिट के हेड को बनाया निशाना। हवाई हमले में 4 लोगों की मौत।